भीलवाड़ा में तीसरी बार टिड्डियों ने शहरी क्षेत्र के साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों पर हमला बोल दिया, जिसके कारण इन क्षेत्रों में खेतों में लग रही कपास और चारे की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने थाली और ढोल बजाकर अपनी फसल के बचाव का प्रयास किया। शहरी क्षेत्र में पहली बार टिड्डी दल पहुंचने से क्षेत्रों के लोगों को घरों में छुपकर खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ गए। हलेण ग्राम पर कृषि पर्यवेक्षक भूरालाल ने कहा कि आज तीसरी बार टिड्डियों ने हमला बोल दिया है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टिड्डियों के दल को कम से कम किया जाए। इसके लिए प्रत्येक रात्रि को उनसे बैठने पर हमने केमिकल का छिड़काव करते हैं। वहीं किसान बादाम देवी ने कहा कि कपास के पौधे में खेत लगा रखे हैं, अभी अंकुरित फसल हुई है, इसलिए टिड्डियों ने इन पौधों को तने से काट दिया है, जिसका कारण अब ये पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि वह हमारी मदद करे। दो जो परेशान हो रही सब घबरा गया और खेती बचाने के लिए किसान बचाओ ये थाड़े हूँ बचा रहे हैं ढोल हूँ थाड़े हूँ दौड़ दौड़ नाश हो रहा खेत बनो भाई आ रही एक महीने बढ़िया चार पाँच पाँच दस दस पन्ना पाँच पाने की होगी हाँ पाँच पाने की बढ़िया ये कई कह रही है नुकसान कह रही कहीं खेत को कहीं नहीं रखते भूत गोट में काटता होती हाँ तो मैं तो कई काम कही कौन खेती कितनी खेती में कही कटे बचे फाचे बनी फूटे कौन हाँ अरे वो ज्वार में सब जनी चिड़िया बैठ रही दुखी हो रही परेशान हो रही खड़ा थाड़े बजा रहा छोटा मोटा सब हाँ दुखी हो रही महीने में टीडी दल का तीसरा हमला है। एक थोड़े दिन पहले भी आठूण में नाइट खोल गया, उसमें भी रात के 2 बजे सुबह 8 बजे तक दवा स्प्रे किया और खासकर जागरूक किया, इसलिए अभी आज ये दल आठूण की तरफ से इधर सबलपुरा यहाँ प्रवेश हुआ, सबलपुरा से फिर आगे ये कांदा की तरफ और महेशपुरा इधर आगे गए। ये क्या कृषि विभाग है और कृषि विभाग वालों ने जैसे मैं कृषि प्रयोगशक हूँ अलेड़ ये काश्तकारों को सबको हर क्षेत्र में सचेत कर रखा है, वही आते ही इनको सूचित कर दे जो थाली वगैरह दूसरा जो ढोल वगैरह बजा कर यहाँ से सब उनको आगे के और किसी किसी खेत में नीचे दल निकला वो किसी किसी खेत में कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है। तो ये सभी पेड़ पौधे फसलें सबको नुकसान कर सब चीज़ को नुकसान। कृषि विभाग ने तैयारी करी कि जब भी इसकी पूरी टीम लगी हुई साथ में और दिन में इसको आगे से आगे और नाइट होल्ड करते हैं तो उस पर दवा स्प्रे करके इसको कंट्रोल करने के ये पूरा। कोरोना वायरस से न घबराएं, ये सावधानियां अपनाएं। आस पड़ोस में बाहर से आने वालों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा से लौटने के अगले 14 दिनों तक अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क नहीं करें। नियमित रूप से अपने हाथ साबुन पानी से धोएं एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। लक्षण वाले व्यक्ति छींकते और खांसते समय नाक और मुंह ढककर रखें, मास्क लगाकर रखें। संक्रमण के लक्षण होने पर अन्य व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें व हाथ ना मिलाएं। कोरोना संबंधित भ्रामक समाचार किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ना करें। स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस का पूर्ण सहयोग करें। खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित। क्या करें और क्या ना करें, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को फेंक दें, इसके बाद हाथ धो लें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छुएं। जो बीमार हैं उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें। स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करें, खुले में शौच ना करें। नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 स्टे होम सेव लाइव्स, एक संकल्प एक लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी से बढ़ेगा आत्मसम्मान। आओ राष्ट्र निर्माण करें, देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। आओ जुड़ें आत्मनिर्भर भारत अभियान से।